हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। रिएक्ट राउट ट्यूटोरियल में भी आपका स्वागत है गाइस। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पैराम यूज करके रिएक्ट राउटर राउट करके देखेंगे हमारी पेज को। एक नया पेज बनाएंगे, उसके अंदर हम पैराम्स यूज करके, पैराम्स बेसिकली पैरामीटर होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं। हम यहाँ पर डायरेक्टली वीएस कोड के अंदर चलते हैं, जो कि हम यहाँ पर पैराम्स क्रिएट करेंगे, पेज क्रिएट करेंगे, उसे हम राउट करेंगे, पैराम्स भी उसके अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपको समझा होगा, ये वाली लाइन आपको समझी होगी। ठीक है, तो ये वाली हमारी पुरानी कोड है, एप डॉट जे एस, होम डॉट जे एस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर, कॉन्टैक्ट अबाउट, ये सारी चीज़ें। ठीक है, पेज नॉट फाउंड भी हमने लास्ट वीडियो में बनाया था, बहुत सिंपल चीज़ें थी, ज़्यादा कुछ टफ नहीं, एकदम सिंपल सिंपल चीज़ें यहाँ पर कवर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रिएक्ट राउटर उतना भी बड़ा टॉपिक नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है, बट यहाँ पर मैं टुकड़ों में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं यहाँ पर चलता हूँ। यहाँ पर मैं पेज बनाता हूँ सबसे पहले, जो कि हम यहाँ पर उसके अंदर पैराम्स यूज़ करेंगे। ओके, तो उस सैम्पल के अंदर ही यहाँ पर हम पेज बना रहे, कई दिनों से, कई ट्यूटोरियल से हम यहाँ पर सेम चीज़ वही करेंगे। यहाँ पर मैं उसका नाम भी मैं यहाँ पर पैराम्स दे देता हूँ, एक काम करता हूँ, पैराम्स ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, मैं यहाँ पर क्लाइंट दे देता हूँ। ठीक है, क्लाइंट सही रहेगा, क्लाइंट डॉट जे एस ऐसा मैं दे देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर हम हमेशा की तरह हम यहाँ पर आर ए एफ सी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, जो कि हमारी रिएक्ट की स्निपट है, जो हम यूज़ करेंगे हमेशा की तरह, उसे हम मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसके अंदर मैं यहाँ पर बनाऊँगा जो भी चीज़ रहेगी, मैं यहाँ पर कंप्लीट बनाऊँगा। ओके, तो सबसे पहले फ़िलहाल के लिए तो इसको रहने देते। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर रहने देते, दिस इज सैम्पल पेज, ऐसा मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, सैम्पल पेज। ओके, तो अभी ये सही है, तो हम यहाँ पर इसे मैं डायरेक्टली राउट करवा देता हूँ, मैं यहाँ पर हमारी एप डॉट जे एस के अंदर मैं राउट करवा देता हूँ, जैसा कि हमेशा की तरह हम यहाँ पर करते हैं, जो कि राउट कोड टैग हम डालते हैं, राउट कोड ये जो है हम डालते हैं, ये सारी चीज़ें जो कोड है हम डालते हैं, पैथ डालते हैं, एलिमेंट डालते हैं, ये सारी चीज़ें हम डालते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पर मैं स्लैश डाल के मैं यहाँ पर लिख दूंगा, हमारी ये जो पेज है जो हमने बनाया क्लाइंट, वो मैं डाल दूंगा, क्लाइंट करके मैं डालता हूँ अच्छे से। ओके, तो अब ये सही रहेगा, और फिर यहाँ पर मैं पेज नॉट फाउंड को हटा कर मैं यहाँ पर डाल दूंगा क्लाइंट। ओके, तो कहाँ गया क्लाइंट, ठीक है, तो अब सही है। जैसा मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर नीचे ऊपर जो है इम्पोर्ट हो चुकी रहती है, पेज जो है ऊपर इम्पोर्ट हो चुका रहता है। ठीक है, तो अभी ये सही, अगर हम इसके अंदर यूज़ करने वाले क्लाइंट के अंदर, तो लिंक नहीं करवाते डायरेक्टली, हम जो यूआरएल है वहीं से मैं आपको पैरेंट्स यूज़ करके आपको बताता हूँ, तभी आपको यहाँ पर समझ जाएगा इजीली। ओके, तो सबसे पहले हमारी ये जो फंक्शन है पैरेंट्स के लिए, हमें यहाँ पर एक फंक्शन के लिए हमें यहाँ पर कॉन्स्ट बनाकर एक पैरेंट्स लेना होगा। ठीक है, कॉन्स्ट की स्पेलिंग गलत थी, अब सही है। ठीक है, मैं यहाँ पर बार बार स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। ठीक है, तो अभी यहाँ, ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पर पैरम्स डाल दिया, अभी मैं यहाँ पर यूज़ पैरम्स को यूज़ करता हूँ, ताकि मैं यहाँ पर इसको ले सकूँ। ठीक है, जो यूआरएल पे जो बंदा सर्च करेगा, यूज़र क्लाइंट ये सारी चीज़ें, जो भी कोई भी होगा सर्च करेगा ब्राउज़र के थ्रू, हम यहाँ पर इस यूआरएल से, ये देखो अभी यहाँ पर एरर दे रहा है, यहाँ पर ये जो इसकी वजह से एरर दे रहा है। ठीक है, तो स्लैश डाल के हम यहाँ पर जो भी सर्च करेंगे वो मुझे यहाँ पर इस पेज में नीचे यहाँ पर शो करना चाहिए, ऐसा मुझे करना है इस पैरम को यूज़ करके। तो यहाँ पर यूज़ पैरम ये वाली जो है हमें हुक यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है, तो मैंने डाल दिया, अभी यहाँ पर मैं इस चीज़ को पैरम को यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पैरम्स को यहाँ पर मैं लेके यहाँ पर मैं वर्ड में डाल देता हूँ। ठीक है, और ये जो पैरम से यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ, जो भी आएगी वो हम उठाकर यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर मैं इस चीज़ को सैम्पल पेज है इसे मैं हटा देता हूँ, काम करता हूँ इसको मैं कट करता हूँ, कट करके नीचे लेके H1 टैग के अंदर मैं डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, और उसी को नीचे एक और बार मैं पेस्ट कर देता हूँ, और ये जो है योर URL सर्चिंग वर्ड ऐसा मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो योर URL सर्चिंग वर्ड ऐसा मैं डाल दूंगा। ओके, सर्चिंग वर्ड इस ऐसा मैं डाल के, और ये जो वर्ड है हमारी वो उसे मैं यहाँ पर मैं यूज़ कर लूँगा। ओके, अब सही है, ये देखो यूज़ पैरम्स यहाँ पर इम्पोर्ट नहीं हुई है। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्टली रिएक्ट को हटा कर मैं यूज़ पैरम्स को ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने डाल दिया, अब सही है, अब मैंने हटा दिया, अब ये पूरी तरह से रन हो रहा है। अभी मैं यहाँ पर हम ब्राउज़र में चलते हैं, और फिर यहाँ पर जो हमारी स्लैश क्लाइंट है उसे मैं डालता हूँ। ओके, तो डाल के मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, अभी तो फिलहाल ब्लैंक पेज आ रहा है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर वर्ड में डाल देता हूँ, ये देखो 404 पेज नॉट फाउंड आ रहा है, हमने कहीं तो कुछ तो गड़बड़ी की है। ठीक है, तो चेक कर लेते ऐप डॉट जे एस के अंदर, ये देखो ऐप डॉट जे एस के अंदर हमने यहाँ पर क्लाइंट है जो हमने डाला है, इसके आगे भी एक और चीज़ हमें डालनी है, स्लैश डालकर यहाँ पर कोलन डालकर
यहाँ पर हमें उस वर्ड को पास करवाना होगा ताकि ये जो वर्ड जो है यहाँ से जो सर्च होगा पैरम्स के थ्रू, आई मीन पैरामीटर के थ्रू जो भी होगा सर्च होगा यूआरएल पे, पैथ में जो बंदा डालेगा क्लाइंट जो भी डालेगा वो वर्ड मुझे यहाँ पर बतानी भी तो है तब जाके होगा। ओके तो अभी ये ठीक है, अभी ये जो चीज़ है ये सही है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये हट गई है, मैं रिलोड करता हूँ, एक काम करता हूँ रिलोड नहीं करता हूँ फिलहाल, डायरेक्टली होम पेज में चलता हूँ। ओके तो अभी यहाँ से हम आते हैं, क्लाइंट में डालता हूँ स्लैश अच्छे से, हमारी ये जो स्लैश वाली लाइन है ये अच्छे से, और फिर यहाँ पर हम फिलहाल के लिए कोई भी वर्ड में डाल देते हैं। ओके तो मैंने वर्ड तो डाल दिया, यहाँ पर शो नहीं हो रहा है शायद, कुछ तो हमने यहाँ पर गड़बड़ी की है, तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर। ये जो है यहाँ पर इम्पोर्ट भी हो चुका है, ये भी चीज़ें सही है, क्लाइंट में डाला बराबर है, पेज में यहाँ पर हमने अच्छे से लिंक करवाई है, ये देखो ये भी सही है, ये भी सही है, और यहाँ पर ये भी सही है। ओके तो H1 टैग के अंदर हमने यहाँ पर पैरम्स डाला, ये सारी चीज़ें सही है। ओके तो फिलहाल ये देखो रिएक्ट रिएक्ट, क्योंकि ये जो है राउटर डोम वाला पार्ट है, तो हमें यहाँ पर राउटर डोम में से इंपोर्ट करना होगा, ये इशू थी। ओके जो हमने इंपोर्ट किया है ये गलत थी, अभी यहाँ पर ये देखो यहाँ पर आ चुका है। ओके तो जैसा मैंने रिएक्ट राउटर डोम डाला तब यहाँ पर प्रॉपरली आ चुका है, ये देखो दिस इज सैम्पल पेज योर यू आर एल सर्चिंग वर्ड इज वर्ड। ओके तो क्योंकि मैंने यहाँ पर वर्ड ही सर्च किया था उसकी वजह से, अभी यहाँ पर स्लैश डाल के जॉन में डालता हूँ, जॉन में डालता हूँ, अभी यहाँ पर ठीक है, ये देखो अब सही है। ओके यू आर एल सर्चिंग वर्ड इज जॉन, अभी यहाँ पर समझा होगा एक्चुअली पैरामीटर को कैसे यूज़ करना है, यूज़ करके हम यहाँ पर कैसे एक पेज बनाकर उसके अंदर हम यहाँ पर राउट करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लाइंट साइड से कोई भी यहाँ पर यू आर एल पर सर्च कर रहा है, तो मुझे यहाँ पर सिंपल से यहाँ पर क्या हो रहा है कि यू आर एल से यहाँ पर कोई भी वर्ड जो है हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं इस पेज को लेकर, तो वो इस पेज के अंदर यहाँ पर वो जो वर्ड है वो मुझे यहाँ पर शो कर रही है बराबर। तो अब यहाँ पर आपको समझा होगा एक्चुअली ये जो है कैसा वर्क करता है। अभी मैं यहाँ पर क्या डालता हूँ, जॉन तो मैंने डाल दिया, अभी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ह्यूमन। ओके ठीक है तो ये देखो योर यू आर एल सर्चिंग वर्ड इज ह्यूमन। ओके अब सही है, तो यहाँ पर आपको समझा होगा एक्चुअली सिंपल चीज़ है, ज़्यादा कुछ टफ था ही नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है तो वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा, तो होप्स हो कि आपको ये सारी चीज़ें समझी होगी, तो अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके आप देख लीजिएगा। ओके तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना गाइस। ओके तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।